Today we will discuss about quadratic equation. Quadratic equations whose standard form is ax square plus bx plus c equal to 0. Like 2x square minus 4x plus 1 equal to 0, x square plus 5x plus 6 equal to 0, x square minus 4x plus 4 equal to 0. These types of example are known as quadratic equations. You know here, that means say coefficient of x square, that is 2, coefficient of x, that is 4, and this one is known as constant term. So by comparison here in a standard form, here coefficient of x square, that is a, and here coefficient of x square, that is 2. It means a belongs to 2. A kisse belong karega? 2 se. Usi prakar aap yahan dekhe ki coefficient of x jo hai wo yahan par kya hai, 4 hai, minus 4 hai, hai na? Aur yahan par coefficient of x kya hai, b hai. Iska matlab b kisse belong karega? To minus 4 se. और ये c क्या हुआ, तो कांस्टेंट टर्म हुआ, c की जगह पर 1. यदि आपसे कोई पूछता है इस इक्वेशन के लिए कि a का वैल्यू क्या है, तो देयर मींस यू कैन से a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 1. c इक्वल टू 1, हियर a इक्वल टू x स्क्वायर मींस 1 * x स्क्वायर, इट मींस वी कैन राइट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू 6. Such it also here, a equal to 1, b equal to minus 4 and c equal to 4. This one is known as quadratic equation. Here in this chapter, we have to discuss a lot of things, but especially nowadays, means you know very well, CBSE has been reduced your syllabus. So for this means here we have to discuss about two or three things. About its standard form, you have to mention everything as a quadratic equation in a standard form. Also, we have to solve that quadratic equation by factorization method and by quadratic formula. Especially about quadratic formula and also nature of the roots, we have to discuss in this chapter. तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके आधार पर आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका है उसके आधार पर एक्सरसाइज 4.1 यहाँ पर क्या है जो आप देखेंगे, आप अपने बगल में बुक जरूर रखेंगे ताकि आपको पढ़ने में आसान हो. फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है वो ये है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. हियर क्वेश्चन इज दैट मींस फर्स्ट एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इनटू एक्स माइनस 3. अब ये देखिए, ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. तो जब भी इस तरह का रहेगा तो फर्स्ट यू हैव टू राइट और यू हैव टू मेंशन द गिवन इक्वेशन इन आइदर एनी फॉर्म चेंज इनटू इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ इट विल बिलोंग. यदि आपका ऐसा आता है अंतिम में फाइनली सॉल्यूशन करने के दरमियान कि भाई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बिलोंग करे, तब आपका आंसर यस में होगा, अदरवाइज नो में होगा. तो सबसे पहले इसे आप सोल्व करेंगे. आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये x प्लस 1 टू द होल पावर 2 है, तो ये टूट जाएगा किससे, a प्लस b होल स्क्वायर से. इसके जगह पर लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 6, और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0. देन फाइनली 2x 2x कैंसिल प्लस 7 इक्वल टू 0. तो अब यहाँ पर देखिए कि x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 है. आपने पढ़ा क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
सी इक्वल टू जीरो, और यहां पर ये आपका आ रहा एक्स स्क्वायर, इसके जगह पर सेवन इक्वल टू जीरो। तो बी एक्स का फॉर्म तो नहीं है, तो बी एक्स के जगह पर यदि नहीं है तो लेकिन जीरो इंटू एक्स तो हो सकता है ना, ये हो सकता है। तो इसका मतलब है कि ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री टू हो, जिसका डिग्री टू हो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, अर्थात ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये आप लिख दीजिएगा लास्ट में, इट बिलोंग्स टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। इसी तरह से आपको क्या करना है कि प्रत्येक जितना भी आपका वो सात क्वेश्चन दिया हुआ है, सेवन क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, है ना, इसमें एक एक करके आप सॉल्व करके देखेंगे, और फाइनली फाइनल आपको सॉल्व करना नहीं है बल्कि आपको ये देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जब भी इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन अगर इस फॉर्म पर आता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म पर, तब आपका आंसर यस में होगा, अदरवाइज नो में होगा। ओके, अब देखिए इसी का चैप्टर क्वेश्चन नंबर टू है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी सिचुएशन दिया हुआ है उस सिचुएशन के आधार पर इक्वेशन बनाते हुए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में शो करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब यहाँ पर देखिए लेंथ एंड ब्रेथ कह रहा है और कंपैरिजन कर रहा है किससे, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इट मीन्स आप पहले क्या लिखोगे, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू एक्स मीटर, सो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या कहता है, वन मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो एक्स है, एक्स का ट्वाइस कितना होगा 2x, एंड वन मीटर मोर देन 2x प्लस वन, क्लियर। एंड क्या कह रहा है, गिवन क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 528 मीटर। अब ये देखिए आप कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म पर आया या नहीं आया, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि ये आया या नहीं आया, है ना। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म पर आ गया, इसका मतलब ये आपका इतना तक आंसर हो गया, यही आपसे पूछ रहा था यहाँ पर, और इसके सॉल्यूशन की बात अभी नहीं बोल रहा, सॉल्यूशन की जब बात करेगा तो हम आगे की ओर चलेंगे, ऐसे सॉल्यूशन भी सीखेंगे लेकिन कुछ समय के बाद, इसको पहले आप देखें, ठीक है, राइट ऑन योर नोटबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे,
product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. Product of two consecutive. Consecutive means क्या होता है? लगातार, continuity, है ना? तो integer है, तो suppose that अगर integer 5 है, तो उसके बाद 6 होगा, यानी plus 1 होगा. तो integer में यहाँ मान लेंगे, let two consecutive integers और x and x plus 1. क्लियर? फ्रॉम क्वेश्चन देखेंगे आप क्या कह रहा है. इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट यानी x इंटू x प्लस 1 कितना के बराबर है? कितना बराबर है? 306. इट मीन्स वी कैन राइट x इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 306. एंड फाइनली वी कैन राइट हियर x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 306. x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0. थिंक इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट? यू कैन से यस. इट मीन्स क्लियर? यही पूछा. इसी के आधार पर अदर टू क्वेश्चन है ना, वो आप बनाएंगे. ये उसे भी बता दो, देखते हैं, है ना? इसको लिखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3. रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम. यानी रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष अधिक है. तो इसमें किसको मानेंगे? लेट द लेट प्रेजेंट एज एज ऑफ रोहन इक्वल टू एक्स ईयर्स. सो प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर इक्वल टू व्हाट? एक्स प्लस 26 ईयर्स. नाउ मींस प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360. 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ. तो यू नो वेरी वेल दैट इज हियर प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज x ईयर्स. आफ्टर 3 ईयर्स द एज ऑफ रोहन विल बी व्हाट? x प्लस 3. एंड आफ्टर 3 ईयर्स द एज ऑफ हिज मदर विल बी x प्लस 26 प्लस 3. जैसे अभी आप अगर सपोज दे 15 ईयर्स ओल्ड हैं, तो 3 ईयर्स के बाद आपका जो उम्र होगा वो क्या होगा? प्लस 3 हो जाएगा, यानी 18 ईयर्स हो जाएगा. तो बिल्कुल उसी अंदाज में अगर अभी प्रेजेंट एज मालूम है और उससे बाद का एज पूछ रहा है, तो जितना बाद का पूछेगा उतना प्लस कर रहा है. तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या प्रोडक्ट कर रहा है 3 ईयर्स आफ्टर, तो x प्लस 3 कर देंगे और इधर कितना हो जाएगा? x प्लस 26 प्लस 3. तो कितना आता है? 360. अब इसको आप सॉल्व करके देखें. x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 इक्वल टू व्हाट? 360. अब ये x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इक्वल टू 360. x को x करेंगे, x स्क्वायर x को 29 से 29x प्लस 3x प्लस 29 हो जाए 87. Then finally x square plus 29x and 29 32x plus 87 and minus 360 equal to 0. We can write here x square plus 32x minus कितना बचेगा? 10 7 3. देखिए ये है या नहीं? तो है.
अगर इसी का पूछा है कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही मेंशन कीजिए, पहले दो क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट दे दिया आंसर, अगर कोई पूछता है कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस 273 इक्वल टू जीरो, और तब ये बता देगा कि ए के जगह पर 1 है, बी के जगह पर 32 है और सी के जगह पर कितना है माइनस 273। ओके राइट, one more question in our book in this chapter, a train travels a distance of 480 km at a uniform speed, if the speed had been 8 km per hour less then it would have taken 3 hours more to cover the same distance, we need to find the speed of the train. Very easy question, no problem, related to time, speed and distance. How it can be solved, we have to watch carefully. Train ka jo speed hai, usi ko aap maan lijiye. Let the speed of the train, या ओरिजिनल स्पीड लिख दे, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहां पर कि इसे डिस्टेंस कवर करना है कितना 480 किलोमीटर और स्पीड है इसका कितना एक्स किलोमीटर पर आवर, टाइम से कंपेरिजन किया है इसलिए आप टाइम निकालना, तो कैसे लिखेंगे, टाइम टेकिंग बाय द ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर एट द रेट ऑफ एक्स किलोमीटर पर आवर, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितना है x, then we can write what 480 by x और ये किसमें आ जाएगा आवर, क्लियर। अब कहता है कि यदि स्पीड इसका जो ओरिजिनल स्पीड है उससे 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम जाता है तब टाइम कितना लगता है, पहले ये निकालिए, तो यहां पर फिर लिखिए टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर एट द रेट ऑफ क्या x माइनस 8, x माइनस 8 नो वन मिनट या x माइनस 8 km ph, देन व्हाट 480 बाय x माइनस 8, ये देखिए पहले समय इतना लिया और अब इतना समय लिया, तो कहता है कि पहले से वो 3 घंटा ज्यादा समय लेता, पहले जितना समय लिया उससे 3 घंटा ज्यादा है, 3 आवर्स मोर, तो क्या लिखेंगे यहां पर फ्रॉम क्वेश्चन, पहले कितना समय लिया था 480 बाय x, अब इससे 3 घंटा ज्यादा समय ले लिया कौन, ये बात देखिए टाइम का टाइम से कंपैरिजन हुआ, यही इक्वेशन बनाने के क्रम में ध्यान देना पड़ता है, पहले आपको कहा कि टाइम भाई देखिए x से चला तो इतना लगा और x माइनस 8 से चला तो इतना लगा, अब फिर कहता है कि जब इतना से चला और इतना चला तो दोनों में 3 आवर का डिफरेंस है, 3 आवर ज्यादा लगता है, किसमें किसमें, जब स्पीड कमेगा तो स्वाभाविक है कि टाइम ज्यादा लगेगा और जब स्पीड बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि टाइम कम लगेगा, उसी अंदाज में ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है प्यारे बच्चे, तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के क्रम में कैसे होगा, तो देखिए जब भी इस तरह से आपका एज ए रेशनल मतलब पी वाई क्यू के रूप में रहे इक्वेशन, तो उसको एलसीएम लेते हुए
और उसको चेंज करते हुए आप आगे बढ़ सकते। आप यहाँ पर इसको इसको उस तरफ ले जाइए तो क्या लिखेंगे, 480 बाय एक्स माइनस एट माइनस 480 बाय एक्स इक्वल टू कितना जाएगा, ये वाला उधर गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करने का मैं आसान बनाने के लिए ऊपर 480 कॉमन है, कॉमन है तो क्या बचा, 1 माइनस 1 बाई एक्स माइनस एट एक्स टू थ्री। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए आसान पड़ेगा, क्या हो जाएगा 480 सेम कितना हो जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस एट, यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्स माइनस एट माइनस एक्स फाइव प्लस एट हो जाएगा इक्वल टू कितना 6। आप देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा 480 इंटू एट, हाँ इधर आप चल जाएगा थ्री एक्स इंटू एक्स माइनस एट। क्लियर हो गया, 64 फाइनली यू कैन राइट पर 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू जीरो। क्लियर, ये आपका आ गया। आप अगर कॉमन आता है तो कॉमन ले लीजिए, अगर नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 3 से कैंसिल हो सकता था, आप देख रहे हो है ना, तो 3 आप इसको कॉमन ले लीजिए, लेके चल रही है 3 कॉमन ले जाए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स और माइनस कितना 1 3 टू जो 6 2 4 3 जो फाइनल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस 1 2 8 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे आप तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ये यही आपका होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया और ये एक जनरल जो आंसर जो डिमांड करेगा वो। क्लियर, नाइस करेगा। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 4.1 फिनिश होता है। आप एक एक चीज पर ध्यान दीजिए, जहाँ कहीं पर भी दिक्कत हो तो उसमें शेयर करने से कोई हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, और ये नहीं मन में कोई सस्पिशन रखना कि हम पूछें ना पूछें, पूछने का मौका है आपके पास, आप पूछिए, व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं या डायरेक्ट अगर बात करनी है तो उससे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप बेहिचक हमसे टॉक करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ें आगे बढ़ें। तो ये ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम टाइम निकाल लेंगे दोनों सिचुएशन में, एंड आफ्टर दैट मीन्स वी हैव टू कंपेरिजन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड मीन्स वी हैव टू सॉल्व। अब यही चीज आगे जो है अगले एक्सरसाइज में, ये यहाँ तक हुआ, अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के क्रम में हम फिर इस चारों क्वेश्चन को रिपीट करेंगे और आपसे हम यहाँ के बाद की बात करेंगे कि उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, हम आइडिया देंगे और इसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, ये ध्यान देना है। ओके, थैंक यू।